क्रिकेटरों की चोट और फिटनेस की बढ़ती समस्याओं को देखते हुए बीसीसीआई सतर्क हो गया है। बोर्ड ने अब एक फरमान जारी किया है जिससे फ्रेंचाइजी को डर सताने लगा है। हाल में ऑक्शन में भी फ्रेंचाइजियों ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे। खिलाड़ियों की फिटनेस और चोट को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई एक्शन मोड में नजर आ रहा है। बोर्ड ने रविवार 1 जनवरी 2023 को समीक्षा बैठक आयोजित की। इसमें खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर एक फैसला लिया गया है। बीसीसीआई ने एक फरमान जारी किया है जिससे आईपीएल फ्रेंचाइजी असमंजस की स्थिति में है। बीसीसीआई ने दिया निर्देश। क्रिकेटरों की चोट और फिटनेस की बढ़ती समस्याओं को देखते हुए बीसीसीआई ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी एनसीए को आईपीएल 2023 के दौरान खिलाड़ियों की फिटनेस की निगरानी करने का निर्देश दिया है। एनसीए आईपीएल में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के कार्यभार का प्रबंधन वर्कलोड मैनेजमेंट करने के लिए आईपीएल फ्रेंचाइजी के साथ मिलकर काम करेगा। बीसीसीआई ने समीक्षा बैठक के बाद एक बयान में यह जानकारी दी। अब से फ्रेंचाइजी के संपर्क में रहेगा एनसीए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने समीक्षा बैठक में वर्कलोड और चोट को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए कुछ कड़े उपायों का विकल्प चुना है। बेंगलुरु में स्थित एनसीए अब से हर फ्रेंचाइजी के साथ संपर्क में रहेगा। ऐसे में उन खिलाड़ियों के लिए परेशानी हो सकती है जो चोट के कारण बाहर चल रहे हों और टीम इंडिया में वापसी के बजाय सीधे आईपीएल में उतरना चाहें। इसके अलावा आईपीएल 2023 के दौरान कुछ स्टार खिलाड़ियों को आराम देने पर भी विचार किया जा सकता है। करोड़ों खर्च लेकर चोट से बचना जरूरी। आईपीएल टीमों ने खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। हाल में मिनीक्षण में भी कई खिलाड़ियों को खरीदा गया। ऐसे में बीसीसीआई के इस फैसले से फ्रेंचाइजी को झटका लग सकता है, क्योंकि जिन खिलाड़ियों को चोट लगी होगी उन्हें बेंच पर ही बैठाया जाएगा। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा और उपकप्तान जसप्रीत बुमराह इसी लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा एनसीए सीएसके के दीपक चाहर और रविन्द्र जडेजा पर भी ध्यान देगा। सभी चार खिलाड़ी भारत के वर्ल्ड कप 2023 से जुड़े प्लान का हिस्सा हैं। अधिकारी ने बताई अपनी परेशानी। आईपीएल की एक फ्रेंचाइजी के अधिकारी ने इसे लेकर अपनी परेशानी बताई। इनसाइडर स्पोर्ट ने अधिकारी के हवाले से कहा, यह एक परेशानी है। खिलाड़ी आईपीएल को सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं, ना कि किसी फ्रेंचाइजी को डोट, इसलिए उनका ख्याल रखना जरूरी है। कोई नहीं चाहेगा कि एक और दीपक चाहर या श्रेयस अय्यर मिले जो पूरे आईपीएल सीजन को मिस करें। वे आईपीएल ब्रांड के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन साथ ही हमें उनके काम के बोझ को सावधानी से मैनेज करना होगा ताकि उन्हें चोट न लगे।